के दुर्गो कोंदल में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे फर्नीचर मार्ट में कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपए से अधिक का अवैध चेरान जब्त किया है। देर रात वन विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फर्नीचर दुकान में अवैध रूप से सागौन चेरान लगाई गई है, जिसके बाद वन विभाग की उड़न दस्ता टीम तलाशी ली तो बड़ी तादाद में सागौन की चेरान जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग की टीम दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 2 और लोग संदिग्ध दिखे, उनसे पूछताछ किया गया और उनके फर्नीचर मार्ट के करीब ही थे तो फर्नीचर मार्ट में घुस गए तो वहाँ सारा अवैध रूप से रखा वाला सागौन बाहर से लाया था, जिसको रात में सील कर लिया और अभी जब्ती की कार्यवाही की जा रही है।